I'm gonna say a few words in Japan, and forgive me if there are any mistakes from my end. जूनियर एनटीआर ने पुष्पा टू मूवी के आने वाले ट्रेलर को लेकर बड़ी बातें बोल दी। जूनियर एनटीआर कहते हैं कि इस बार पुष्पा टू मूवी का ट्रेलर बड़ी तबाही मचाएगा, क्योंकि एक बार फिर से पुष्पा वापसी आ रहा है। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस बार अल्लू अर्जुन और सुकुमार ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके पुष्पा टू मूवी का ट्रेलर बनाया है, और इस बार इस ट्रेलर में हमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक में पुष्पा दिख सकते हैं। और दोस्तों, जब से पुष्पा टू मूवी का ट्रेलर डेट अनाउंसमेंट हुआ, तब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल चुकी है, क्योंकि पुष्पा वो मूवी थी जिसने बहुत ही ज्यादा कम समय में बहुत बड़ा कलेक्शन कर लिया था। और एक बार फिर से अल्लू अर्जुन सुकुमार के साथ वापसी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस को हिलना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया में पुष्पा टू मूवी का क्रेज देखने को मिला है, क्योंकि पुष्पा वो मूवी थी जिसने बहुत ही कम बजट में बहुत बड़ा कलेक्शन करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और दोस्तों, इन दिनों सुकुमार और पुष्पा भाव दोनों पुष्पा टू मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इन दिनों अल्लू अर्जुन भी बहुत ही ज्यादा वर्कआउट करते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि इस बार में पुष्पा भाव बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक में दिख सकते हैं। एक बार फिर से पुष्पा भाव को वापसी आना और बॉलीवुड को बड़ा झटका दिया जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर से अल्लू अर्जुन वापसी कमबैक कर रहे हैं। और दोस्तों, जूनियर एनटीआर कहते हैं कि हमें इस ट्रेलर के अंदर अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फरहान फजली भी दिख सकते हैं। दोनों ये तीन मेन कैरेक्टर थे पुष्पा मूवी के अंदर। अगर ये दोनों इस बार भी आते हैं, तो हो सकता है ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाए। वापसी आ रहे हैं, और इन दोनों अल्लू अर्जुन के फैंस के दिलों पे सिर्फ एक ही मूवी का नाम है। और दोस्तों, जूनियर एनटीआर कहते हैं कि एक बार फिर से पुष्पा भाव वापसी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस को बड़ा झटका दिया जा सकता है, और इसका मतलब ये कि पुष्पा टू मूवी का ट्रेलर हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि 8 दिसंबर को हमें पुष्पा मूवी भी देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों, अगर दिसंबर के महीने में पुष्पा टू मूवी रिलीज हुई, तो हो सकता है बड़ा तहलका मचा दे बॉक्स ऑफिस के ऊपर, क्योंकि इन दोनों कोई भी मूवी इतनी ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाएगी। और दोस्तों, इन दोनों पुष्पा मूवी गिनी चुनी मूवीज में भी गिनी जा सकती है, क्योंकि ये इकलौती ऐसी मूवी होगी जो कम बजट में बहुत ही ज्यादा कलेक्शन करके अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड भी कर सकती है। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि इन दोनों पूरी इंडिया के अंदर पुष्पा मूवी का क्रेज हद से ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इस बार पुष्पा मूवी का अनुसार बेसब्री से किया जा रहा है, और इस मूवी का ट्रेलर भी जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक और शेयर लाजमी करें। अगर पुष्पा भाव को डायरेक्ट वाले फैन है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।